दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? स्त्री और पुरुष मनुष्य के दो ऐसे रूप हैं जिनके बारे में हम और आप हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का एक तीसरा रूप भी है जिसके नाम मात्र से ही लोग पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं। वैसे तो किन्नरों की दुआ और बददुआ दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर इन्होंने किसी को एक बार दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बददुआ दे दी तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पर जब बात इनके अस्तित्व की जाती है तो कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेता। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ख्यालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि किन्नर समाज से जुड़े बहुत से रहस्य लोगों को नहीं पता, जिनमें से एक इनके अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां बाकी दुनिया में अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है, वहीं किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में होता है। जिसके पीछे की असली वजह क्या है उसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किन्नरों का अस्तित्व काफी ज्यादा रहस्यमयी होता है, ठीक उसी तरह इनका अंतिम संस्कार भी गोपनीय तरीके से करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी मृत्यु को पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, और जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है तो किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं और सिर्फ पानी पर ही जिंदा रहते हैं। और इस पूरे समय में वो अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म कभी भी एक किन्नर के रूप में ना हो। ऐसा करने के पीछे किन्नर समाज की एक प्रचलित मान्यता है जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले हुए शब्द बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, यानी वो जो चीजें बोल देते हैं उनके सच होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा जब लोगों को ये आभास होता है कि कोई किन्नर मरने वाला है तो वो उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। हालांकि किन्नर समाज ये पूरी कोशिश करता है कि उनके मरने के बारे में किसी को पता ना चले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं से लेकर पुरुषों और बूढ़े लोगों तक हर किसी के अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है कि किस तरह लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में बातें कही गई हैं, जहां ये बताया जाता है कि किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। दोस्तों किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके लिए मरने वाले किन्नर को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है, और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसके शरीर में कुछ भी बंधा ना हो। इसके पीछे की वजह यह है कि मरने वाले किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के सभी किन्नर एक साथ इकट्ठा होकर मरे हुए किन्नर के शरीर को गालियां देना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि उसे जूते चप्पलों से मारते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों हमारे समाज में किन्नर के रूप में जन्म लेना एक श्राप माना जाता है, और कोई भी दोबारा किन्नर के रूप में जन्म ना ले इसलिए मरने के बाद उसके साथ अत्याचार किए जाते हैं। और इसी तरह किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और मान्यता है जो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों इस मान्यता के अनुसार मरे हुए किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति की तरह चार कंधे नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान है, जिनके बारे में गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और एक ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई गैर किन्नर किन्नर की शव यात्रा या फिर मृतक के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में ही होता है। इसलिए किन्नर समुदाय द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मरे हुए किन्नर के शव को कोई भी नॉर्मल इंसान न देख पाए। यही वजह है कि किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो वहां पर ना रहे। इसलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है, जो कि हम इंसानों के हित में ही है। और अगर कोई इंसान चोरी चुपके किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए देख ले तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए इस तरह की गलती भूलकर भी मत करना। दोस्तों किन्नर समाज में किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता बल्कि खुशियां मनाने की मान्यताएं हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस मरे हुए किन्नर को अब किन्नर के शरीर से मुक्ति मिलेगी और वो एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। और इसी बात का धन्यवाद करने के लिए किन्नर समाज के लोग शव के चारों ओर खड़े होकर मृतक की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव इरावन का नमन करते हैं।
और ये प्रार्थना करते हैं कि मरे हुए किन्नर को दोबारा से किन्नर के रूप में जन्म ना मिले। इसके अलावा किन्नर समाज के द्वारा कुछ पुण्य दान भी किए जाते हैं ताकि उसका असर भी मृतक की आत्मा पर पड़े और दोबारा से किन्नर शरीर में जन्म ना ले। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा मृतक को दफनाने की एक सप्ताह तक व्रत रखा जाता है और इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृतक के लिए दुआएं करता है। जिन सौभाग्य से वो इस जन्म में परिचित नहीं हो पाया, वो उसे अगले जन्म में मिल सके और वो एक संपूर्ण मानव के रूप में धरती पर वापस आए और सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाए। दोस्तों, किन्नर समाज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हर तरह से हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमने कभी भी इन्हें अपनाया नहीं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मत भूलिए, ये चाहे किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, ये है तो इंसान ही ना। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी धर्मों में किन्नर समाज के लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और शिव जी का अर्ध नारीश्वर अवतार भी कुछ ऐसा ही किरदार है जिसका निर्माण शिव और पार्वती के मेल से होता है और इसे इंसानों द्वारा पूजा भी जाता है। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।